क्या आपके YouTube में आपको इस तरीके से बटन दिखाई दे रहा है? तो आखिरकार ये बटन आपके YouTube में क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या है? और यहाँ पर आपको प्ले समथिंग दिखाई देता रहता है, तो आखिरकार इस बटन का काम क्या है? और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो कैसे ये हटेगा? ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है आपके YouTube एप्लीकेशन पर? सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और ये हटेगा या नहीं हटेगा, अगर हटेगा तो कैसे हटेगा, अगर नहीं हटेगा तो ये क्यों नहीं हटेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके पास ये आया क्यों और कैसे आया हुआ है। तो अगर आपने अपने YouTube को अपडेट किया होगा, प्ले स्टोर में जाकर आपने YouTube एप्लीकेशन को अपडेट किया होगा, तो YouTube के अंदर एक नया अपडेट आया हुआ है जिसमें यह फीचर ऑटोमेटिक ऐड हो गया है और इसे आप हटा नहीं सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ऐड है। और जब आप YouTube को अपडेट कर लेते हैं तो आपको ये फीचर मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको ब्राउजर में जाना होगा और वहां से आपको पुराना वाला जो YouTube का वर्जन है उसे आपको डाउनलोड करना होगा। फिर आपके मोबाइल में आपको ये वाला आपको बटन दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप फिर से अपने YouTube को अपडेट करेंगे और आपके पास फिर से ये बटन आ जाएगा। अब बात करेंगे इसका काम क्या है। ये बटन आपको शॉर्ट वीडियो का है, यानी कि आप अपने YouTube पर अगर आप शॉर्ट वीडियो यहाँ से नहीं प्ले कर पाते हैं, जो आपको यहाँ से मिलता है प्ले करने का, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप अपने इसी वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपका डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपका शॉर्ट वीडियो यहां पर चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको यहां पर ये शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। और इस पर क्लिक करके आप ये भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर शॉर्ट वीडियो को प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद यहां पर आपका लॉन्ग भी वीडियो आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी कि आप यहां पर क्या करेंगे कि जो लॉन्ग वीडियो होते हैं उस वीडियो को प्ले करने के लिए शॉर्ट में आपको यहां पर ये बटन दिया गया है। जैसा कि आपको दिखा दें, हम यहां पर एक बार इसे रेफ्रेश करते हैं। रेफ्रेश करने के बाद अभी हमारे पास ये बटन है, इस बटन पे अगर हम प्ले करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास शॉर्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आपका जो वीडियो है ये आपका लॉन्ग वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इसे शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्ले करके अब आप लॉन्ग वीडियो को भी आप शॉर्ट के फीचर में देख पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी वीडियो को आप प्ले करिए और आपका वीडियो वो लॉन्ग रहेगा लेकिन वो आपका शॉर्ट फीचर में चलता रहेगा। तो ये बटन आपके पास इसलिए दिया गया है कि किसी भी लॉन्ग वीडियो को भी आप शॉर्ट के फीचर में देख पाएंगे और वहां पर हो सकता है कि आपको ऐड भी देखने को ना मिले, इसलिए ये बटन दिया गया है। तो मैं आशा करूंगा आज आप जान गए होंगे, सीख गए होंगे कि आखिरकार ये बटन आपको क्यों दिया गया है और इसका कैसे यूज करना है। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।